पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जो है स्पेशल राज्य का दर्जा तो नहीं दिया गया केंद्र की तरफ से, लेकिन स्पेशल पैकेज में तमाम चीजें बिहार को दी गई। बाढ़ को लेकर 11,500 करोड़ की राशि बिहार को दी गई है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये जो राशि है बिहार में इस्तेमाल नहीं होगी। जी हाँ, आप भी ये खबर सुनकर शॉक रह गए, क्यों ऐसा? ये खबर आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, बिहार से हर वर्ष भारी परेशानी झेलने के बाद बिहार अभी भी देश के उन राज्यों में शामिल नहीं हुआ है जो यहाँ बाढ़ क्षेत्र जोनिंग अधिनियम को अधिसूचित करने और बाढ़ क्षेत्रों का सीमांकन करते हो। ऐसे में अब केंद्र सरकार भी राज्यों से सख्ती से पेश आना चाहती है। इसमें राज्य अगर केंद्रीय बाढ़ प्रबंधन निधि का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें बाढ़ क्षेत्र जोनिंग कानून को लागू करना अनिवार्य होगा। अगर आप बाढ़ के लिए राशि यूज करना चाहते हैं तो आपको एक कानून है जिस कानून का नाम है कि बाढ़ क्षेत्र जोनिंग कानून, इस कानून को राज्य में लाना पड़ेगा। अभी तक देश में सिर्फ 4 राज्य, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड और पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में इस कानून का अनुपालन है। आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार बिहार सहित देश के कई राज्य हर वर्ष बाढ़ की दिक्कत झेलते हैं। ऐसे में जल शक्ति मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में है और उनसे बाढ़ क्षेत्र जोनिंग अधिनियम को अधिसूचित करने और बाढ़ क्षेत्रों का सीमांकन करने का आग्रह कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय के बाद प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के तहत निधियों का उपयोग करने के लिए बाढ़ क्षेत्र जोनिंग अधिनियम को लागू करना अनिवार्य है। एक तरीके से केंद्र सरकार ने इसको एक अनिवार्य कानून बता दिया है, यानी बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्र निधि चाहिए तो राज्य को पहले अपने यहाँ बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित इलाकों की जानकारी देनी होगी। जल शक्ति मंत्रालय अब बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के अगले चरण के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेने जा रहा है। इसके लिए अब किसी भी राज्य के लिए FMBAP के तहत संस्थानों तक पहुंचाने की शर्त यही होगी कि राज्य ने बाढ़ मैदान जोनिंग अधिनियम लागू हो। इसलिए यदि आप बाढ़ मैदान जोनिंग अधिनियम लागू नहीं किया है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वहीं अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कई राज्य प्रयास किए हैं। अधिकारी ने कहा कि मई 2022 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के सचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उचित कानून बनाने का आग्रह किया था। तो अब समझिए, तो केंद्र सरकार की तरफ से अनिवार्य हो गया है कि यदि आप बाढ़ जोनिंग अधिनियम कानून लागू करते हैं राज्य में, तभी आपको ये पैसे बाढ़ के लिए दिए जाएंगे। तमाम इलाकों का जो आपको हाल है वो बताना पड़ेगा, इसके बाद ये कानून लागू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।